हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। ब्लॉग नहीं, ये होगा कंपैरिजन वीडियो। सो आज हमारे पास दो कैमरे हैं, एक निकॉन है और एक कैनन है। तो आज हम लोग आपको फ़र्क दिखाएंगे कि निकॉन के कैमरे में और कैनन के कैमरे की पिक्चर क्वालिटी कैसी रहती है। सो अभी हमारे पास दो कैमरे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं वो हमारा कौन कौन सा कैमरा है, फिर कंपैरिजन शुरू करते हैं। सो चलिए वीडियो को और दोनों कैमरों को स्टार्ट करते हैं और दिखाते भी हैं आपको। चलिए, तो ये रहे हमारे दोनों कैमरे, है ना। तो पहला है हमारा आगे D3500 और सेकंड नंबर पर है 700D। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इन दोनों कैमरों का ये दोनों बड़े लेंस लगे हैं। तो इसमें हमारा है 70-300 BR ऑटो फोकस और इसमें हमारा 55-250। तो यहाँ पास हमें ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस दोनों मिल जाता है, यहीं हमारे इस लेंस में आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो अभी हमारे पास है कैनन का 700D है, जो कि हमें फ्लिप स्क्रीन के साथ मिल जाता है, जो स्क्रीन मोड भी जाती है। अगर आप वीडियो बनाते हैं या फिर फोटो खींचते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वही तो फोटो क्लिक करते हैं। मैं जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करूँगा बिकॉज ये शोर हो रहा है, माना सॉरी। तो वीडियो जल्दी शुरू करते हैं, ठीक। का और इसमें एक माइनस पॉइंट है जो मुझे बहुत बेकार लगा, जिसमें फ्लिप स्क्रीन नहीं है और कैनन में है। तो चलिए अब इसी से वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया होगा, निकॉन वर्सेस कैनन। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको थोड़े बहुत फोटोज़ दिखाए हैं। अगर आपको फुल रिव्यू चाहिए कैनन के ऊपर पर ये निकॉन के, तो आप मुझे कमेंट्स पर जरूर बताइएगा, मैं दोनों की ही वीडियो जरूर लाऊंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इतना मेहनत करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।